नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र का पहला रुझान मान लीजिए आ चुका है, लेकिन ये पहला रुझान आपको सावधान करने वाला है। पहले रुझान में भाजपा को करारा झटका है। 3 अंकों में जिसकी गिनती थी, जिसके आंकड़े थे, 2 अंकों में सिमटती नजर आ रही है। 100 से काफी दूर नजर आ रही है भाजपा। और 2 जो पार्टनर्स तोड़ तोड़ करके लाए थे, एक नाथ शिंदे जिसकी शिवसेना को असली बता दिया, वो एक नाथ शिंदे करीब करीब खात्मे के कगार पर हैं। और अजीत पवार के आंकड़े तो वहां नजर आ रहे हैं इस पहले रुझान में, जहां से उनका राजकीय संन्यास जिसकी आशंका हम लोग जता रहे थे वो तय मान ली जाएगी। और अजीत पवार को राजनीति में हाशिए पर जाना पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति। एक बड़ा बहुमत, बम्पर बहुमत कह सकते हैं उसको, महाविकास अघाड़ी को मिलता हुआ इस पहले रुझान में नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते नजर आ रही है। जिस अनुपात में सीटों का बंटवारा हुआ है, उस अनुपात में स्ट्राइक रेट, बम्पर स्ट्राइक रेट रहने की संभावना नजर आ रही है इस पहले रुझान। लेकिन इन सारे आंकड़ों में हम आपको परसेंटेज बताएंगे। ये पहला रुझान जिसको मैं कह रहा हूं, ये इलेक्टोरल एज एक संस्था है जो चुनावी सर्वेक्षण करती है। इलेक्टोरल एज ने सर्वे किया है और इसे पहला रुझान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल एजेंसी गोदी मीडिया से अलग हट करके ये इलेक्टोरल एज है जिसने सर्वे किया। गोदी मीडिया के सर्वे को हम सिर्फ एजेंडा कह सकते हैं, उनसे जनता का मूड और मिजाज समझ में नहीं आता। इलेक्टोरल एज ने यह भी आकलन किया है कि किसे कितने परसेंट वोट मिलेंगे और कितनी सीटें मिलेंगी। अब वोट परसेंट की बात है, हम आपको वोट परसेंट बताएंगे, लेकिन ये वोट परसेंट ही है जो एंट्री मारता है जहां से, जिस रास्ते से राजीव कुमार का आयोग पिछले काफी वक्त से चुनाव में जो सबसे चौंकाने वाला विषय होता है पूरे चुनाव में, वो पोलिंग परसेंट होता है। मतदान का वक्त जब खत्म होता है शाम 5 बजे, 6 बजे, 7, 7:30, 8 बजे तक पोलिंग परसेंटेज फाइनल आ जाया करता था। वो कोई भी दौर रहा हो, आज तो हाईटेक और डिजिटल दौर है। इस दौर में 7:30, 8 बजे जो पोलिंग परसेंट आता है, अगले दिन कई बार 24 घंटे बाद, कई बार 48 घंटे बाद, और कई बार तो उससे भी ज्यादा वक्त लेकर के 3 दिन, 4 दिन के बाद पोलिंग परसेंटेज में एकाएक 7%, 8%, 6% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये वो हाईटेक दौर है जब मशीनों से मतदान हो रहा है। मैं ये आपको इलेक्टोरल एज के सर्वे के आंकड़े बताऊंगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल बाद में ये होता है कि आपने आशीष चित्रांशी, आपने अशोक वानखेड़े बताया कि यहां पर भाजपा हार रही, जीत गई। यहां आपको भी चौकन्ना होना है। मैं आज भी उस बात पर 100% नहीं, 150% कायम हूं, जिसमें मैंने बार बार कहा था कि हरियाणा में जनता भाजपा को कतई नहीं देखना चाहती है, भगाना चाहती है। आज भी उसी मजबूती से कायम हूं जितना उस समय कायम। हरियाणा में मैंने एक एक इलाके में करीब करीब 70% इलाके में जाकर के देखा है, सुना है लोगों, बीजेपी का नाम लेने पर तमतमा जाते थे लोग, और भाजपा नेताओं की हालत देखी है, जो कैंपेन करने में हिलते थे, घबराते थे, जाए कैसे जनता के बीच। वो सिलेक्टेड वहीं पर जाते थे जहां लगता था चलो यहां जाएंगे तो दुर्गति नहीं होगी, बेइज्जती नहीं होगी। गांव से दूतकार करके भगाया जाता था, दौड़ा ले रहे थे गांव वाले। वहां पर भाजपा जीत गई। कैसे जीती? जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन शाम 7:30 बजे के 7:45 के जो आंकड़े थे वो आंकड़े बदल गए 2 दिन बाद, और पोलिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी कितनी हुई, 6.7%। और वो परसेंटेज जो पोलिंग परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई, उसके कुछ देर पहले बयान आया था नायब सिंह सैनी का कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है। तो ये सर्वे बताने के पहले मैं कह रहा हूं, सावधान रहिए इस आयोग से, राजीव कुमार से,
नहीं तो आप वोट डाल के आ जाएंगे, आपकी इच्छाओं को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, आपकी आकांक्षाओं को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, और फिर दो दिन बाद, मतदान के दो दिन बाद झारखंड में हो सकता है हिमंता बिस्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी, और महाराष्ट्र में हो सकता है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बैठ के कहें कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, और उसके चार घंटे बाद पोलिंग परसेंटेज 8% बढ़ के आ जाए और नतीजे पलट जाए। तो हम जो दिखाते हैं वो जन आकांक्षाएं दिखाते हैं, जनता का मूड और मिजाज दिखाते हैं। हम पर्दे के पीछे, मशीनों के भीतर, बटन के नीचे क्या खुराफात हो रही है वो नहीं समझ सकते, ना वो दिखा सकते। अब आते हैं उस सर्वे पर, और सर्वे मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर खेल बताऊंगा। महाराष्ट्र में खेल शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। कांग्रेस हाथ जोड़ रही है लेकिन राजीव कुमार नहीं सुन रहे। भाजपा एक बार एक धीमी सी आवाज बोलती है, वो खड़े होकर के तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, जिया का क्या करना है। अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर, उस पर वीडियो भी मैं बना चुका हूं, लेकिन और डिटेल में और अपडेट बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझिए, अब आंकड़ों पर आते हैं, सीधा आंकड़ों पर आते हैं। इलेक्टोरल एज ने जो सर्वे किया उसमें पहले हम पोलिंग परसेंट की बात करेंगे, वही पोलिंग परसेंट जिसके जरिए खेल हो रहा है। इस पोलिंग परसेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं महायुति की। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना शिंदे यानी ओरिजिनल, और एनसीपी अजित पवार यानी ओरिजिनल एनसीपी। बीजेपी को 24% वोट इस सर्वे के मुताबिक मिल रहे हैं आज की तारीख में, 24%। शिवसेना को 11%, 11 कुल शिवसेना को शिंदे, और अजित पवार यानी एनसीपी को मात्र 6% वोट मिल रहे महाराष्ट्र में। 24 और 11 35 और 6 41% कुल महायुति को 41% वोट महाराष्ट्र में मिल रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। अब चलते हैं महाविकास अघाड़ी पर। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 19% वोट मिल रहे हैं, 19%। एनसीपी शरद चंद्र पवार को 13% वोट मिल रहे हैं, यानी शिंदे से भी ज्यादा, शिंदे और अजित पवार दोनों से ज्यादा वोट एनसीपी शरद चंद्र पवार को मिल रहे हैं। और यूबीटी जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, उसको 17% वोट मिल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी को 49% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है आज की तारीख में। अब अगर इसको हम सीट में कन्वर्ट करें, जो सीट में कन्वर्ट करके आंकड़े इलेक्टोरल एज ने दिया है उसके मुताबिक, पहले फिर महायुति की ही बात करते हैं। महायुति में बीजेपी को कुल 79 सीट्स मिल रही हैं, यानी बीजेपी को करीब 25 सीटों का नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र में। 3 डिजिट से 2 डिजिट में आ रही है। हालांकि मैं इसमें चर्चा में बता दूं कि जब भी ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र का विश्लेषण हुआ, तो अशोक वानखेड़े जी ने 50 के भीतर बीजेपी के सिमटने की उम्मीद जताई थी। इस सर्वे में 50 तो नहीं लेकिन 75 के आसपास 79 सीट्स बीजेपी को मिल रही हैं। इसके बाद शिवसेना की तरफ चलते हैं, एकनाथ शिंदे, तो 23 सीट शिवसेना को एकनाथ शिंदे को है। एनसीपी को अजीत पवार को मात्र 14 सीट, यानी दर्जन भर पर निपट रहे हैं। अब सोचिए, ये इसलिए चर्चा है कि सीट पर गौर कीजिएगा, 14 सीट, 40 लेकर आए थे और 14 पे सिमट रहे हैं, यानी विधायक लाए थे ये वोट नहीं लाए, जनता नहीं आई, तभी तो पत्नी भी चुनाव हार गई। शिवसेना शिंदे विधायक पूरे तोड़ लाए, पार्टी अपनी बना लिए, लेकिन खुद 23 पर सिमटते नजर आ रहे हैं, जबकि अच्छी खासी सीटें गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए मिली हुई है इनको। RYSP एक पार्टनर है बीजेपी का, 1 सीट उसको मिलती नजर आ रही है, और बाकी अन्य 14 सीटें अन्य के खाते में जाती नजर आ रही हैं। ये कुल मिलाकर के जो महाविकास अघाड़ी से अलग हैं उनकी तस्वीर है।
अब आते हैं महाविकास अघाड़ी पर। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 19% वोट शेयर के साथ, अपने 19% वोट शेयर, टोटल महाविकास अघाड़ी को 49% वोट शेयर मिल रहा है। उसमें 68 सीटें, 68 सीट कांग्रेस को मिल रही है। एनसीपी का अपना वोट शेयर 13% है, लेकिन कुल वोट शेयर, सहयोगियों का वोट ट्रांसफर इतना बैलेंस बन रहा है कि 44 सीट एनसीपी शरद चंद्र पवार को मिल रही है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 17% वोट और 41 सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी, जिनको दो ही सीट, वैसे तो ऑफिशियली दो ही सीट दिया गया है लेकिन 9 पर प्रत्याशी उतारे हैं, उसको नुकसान हो सकता है। पिछली बार इस सर्वे के मुताबिक एक ही सीट मिल रही है, पिछली बार 2 सीटें थी। सीपीआईएम एक सीट, 2 सीट से एक पे आ सकती है। और पीडब्ल्यूपी, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी जो है, वो पीडब्ल्यूपी 2 विधायक थे और 2 फिर आते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के 288 की असेंबली में, 288 की असेंबली में 157 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब आप देखिए, अगर परसेंटेज स्ट्राइक रेट की बात करें तो कांग्रेस की स्ट्राइक रेट फिलहाल, मतलब जो कांग्रेस की सबसे बड़ी वीकनेस रही है, जिस कमजोरी की वजह से अक्सर अपने पार्टनर्स को भी वो नीचे कर देती है, गिरा देती है, सरकार बनाने से दूर रह जाती है, इस सर्वे में स्ट्राइक रेट कांग्रेस का जो है वो बेहतर नजर आ रहा है। 103 सीटें मिली हैं, हिस्से में आई हैं, 68 वो जीतती नजर आ रही है, यानी काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है उस मुकाबले, मतलब अगर इन तीनों पार्टनर्स को देखा जाए तो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है स्ट्राइक रेट की, स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा होता नजर आ रहा है इस सर्वे के मुताबिक। बाकी शिवसेना जो महायुति में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनका स्ट्राइक रेट बीजेपी को भी लेकर के जो है नीचे समुद्र में बैठा देगा, डुबा देगा, ये सामने नजर आ रहा है। ये कुल मिलाकर के जो पहला रुझान आया है वो पहला रुझान, लेकिन इस रुझान के साथ गौर कीजिएगा, मशीन है, अफसर हैं, राजीव कुमार हैं, एजेंसियां हैं और खेल जारी है। और फिर मैं चर्चा कर दूं चलते चलते महाराष्ट्र की डीजीपी, महाराष्ट्र की डीजीपी पर अभी मामला थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र की डीजीपी शुक्ला जी हैं और इनका तबादला फिर जो है मामला उठा है। नाना पटोले ने फिर कहा है कि इनका तबादला होना चाहिए, ये कंट्रोवर्सियल हैं, लगातार विवादों में रही हैं, बीजेपी ने इनको बनाया डीजीपी विवादों में रहने के बावजूद, और विवादों में ही इनका कार्यकाल रहा, कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बावजूद शुक्ला को सेवा विस्तार दिया गया जनवरी 2026 तक का, जबकि यही राजीव कुमार का आयोग सिर्फ एक लाइन की शिकायत पर हटा देता है अनुराग गुप्ता को झारखंड डीजीपी के पद से। आप याद कीजिए बंगाल में डीजीपी को आनन फानन में आदेश करके बंगाल में डीजीपी को हटवाया था राजीव कुमार ने। ममता बनर्जी का डीजीपी हटेगा, हेमंत सोरेन का डीजीपी हटेगा, सिद्धारमैया का हट जाए, सुक्खू का हट जाए, विपक्षी दलों के सरकारों के डीजीपी हटेंगे, भाजपा कोई शिकायत करेगी उसका तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। इस बात पर मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेसी भी सिर्फ 2 लाइन लिख करके बैठ जाते हैं, विपक्ष के लोग भी इस पर क्यों मुखर होकर के संवैधानिक तरीके से क्यों आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। आखिर क्यों भाजपा शासित राज्य में अफसर अपनी मनमानी करते हैं और उनको हटाने की कुवत नहीं होती है राजीव कुमार जैसे जो है आयुक्त की, जिसने एक संवैधानिक संस्था की साख का इकबाल का बट्टा एकदम लगा दिया, धूल धूसरित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, कीचड़ में मिला दिया, खत्म कर दिया उस साख को जिसे कभी टीएन सेशन साहब ने बनाया था। वहां पर कोई एक्शन नहीं, शुक्ला पर कोई एक्शन नहीं। लगातार 27 सितंबर को, मैं डेट आपको बता देता हूं,
27 सितंबर को मुंबई में राजीव कुमार थे, 24 सितंबर को चिट्ठी लिखा था कांग्रेस ने हटाने के लिए, इनकी कंट्रोवर्सीज को बताते हुए। इन पर तीन तीन मुकदमे रह चुके हैं, तीन तीन केस पुणे और मुंबई में, वो बताते हुए। इनको बीजेपी ने बताया, ये बीजेपी का फेवर लेती है, ये आरोप है इन पर। इन्होंने विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे करवाए हैं, ये आरोप है इन पर। इन्होंने जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम जहां है वहां कमिश्नर को, जहां कमिश्नरेट नहीं है वहां पर पुलिस अधीक्षक को, पुलिस अधिकारियों को बोल करके वहां पर मुकदमे करवाए विपक्षी के कार्यकर्ताओं पर। इन पर आरोप है, विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग से जुड़े इन पर आरोप है। इतने आरोप, उसके बावजूद विराजमान है। और इन्हीं की अगुवाई में महाराष्ट्र पुलिस काम करेगी महाराष्ट्र के चुनावों में, यह आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे दर्शक, मैं उन दर्शकों को कहना चाहता हूं, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कहते हैं मशीन 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 बहुत बड़ा फैक्टर है, हरियाणा में चुनाव पलट गया। लेकिन आपको ये मशीन अकेले नहीं काम करती, इस मशीन को काम करने के लिए एक इंसानों का बेगैरत जमीर बेच रखे इंसानों की एक फौज की जरूरत होती है। वो कैसे तैयार होती है? मैं कहता हूं सारे ईमानदार, मैडम शुक्ला ईमानदार, अनुराग गुप्ता ईमानदार, सारे ईमानदार। अगर कार्रवाई होनी थी तो सारे ईमानदारों पर कार्रवाई कर देते, सबको हटा देते, भाई चुनाव है, एक थंब रूल चुनाव है, नया डीजीपी हम बैठाएंगे, चुनाव के बाद आप जिसको जिसकी सरकार आएगी जिसे मन करे बनाए। क्यों नहीं, क्यों सिर्फ बीजेपी जहां पर शासन में नहीं है, राज्य में सरकार जिसका नहीं है वहां पर आप डीजीपी हटा दोगे? वहां पर जो भाजपा कहे वही सही, न बही न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही। जो बोलते हैं ऐसा लगता है कि पार्टी का दफ्तर खुला हुआ है भाई, पार्टी बीजेपी के दफ्तर फ्रेंचाइजी टाइप में काम करते नजर आते हैं। कहीं पर विपक्ष के किसी जो है अपील पर, किसी अनुरोध पर, किसी अनुनय विनय पर हाथ जोड़ने पर, गुहार करने पर, पैर पकड़ने पर कोई एक्शन नहीं। खैर, ये इसलिए बताया इसके साथ कि ध्यान रखिएगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।